हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश तंदुकिया। आई रिसेंटली क्लियर सीए फाउंडेशन जून 22 एग्जामिनेशन। सो आई हैव क्रैक आई गेन 312 मार्क्स। सो आई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले जो भी बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि वो इतने बड़े कोर्स में जो भी इतना सा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो उसको रिटर्न करना बहुत मुश्किल होता है और लास्ट डे पे आप सब कुछ तो रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप पहले से जो भी कुछ पढ़े तो उसमें सब कुछ कैटेगरी वाइज आए। अगर जो क्वेश्चन आपको सबसे मुश्किल लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको ए कैटेगरी दे, जो उसे कम इम्पोर्टेंस का वो बी कैटेगरी, और जो बहुत ईजी हो एक बार में ही आ जाएगा तो उसको सी कैटेगरी में ही करें। और जो और हमको पहले से आदत होती है कि हम लास्ट डे पे या लास्ट मंथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। तो इस वजह से आपको जो डे टू डे लर्निंग होता है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर आज आपको जो भी पढ़ा है तो वो आज के दिन ही सोने से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फ्यूचर में बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा और लास्ट मंथ में आपके पास दो तीन सब्जेक्ट में भी शायद हो सकता है कि बहुत सारे डिफ़िकल्टी आ जाए। आई थैंक नौकार, क्योंकि उन्होंने जो मुझे फैसिलिटी दी उसी की वजह से मैंने ये जितने भी मार्क्स लाए वो सभी के सभी कह सकता हूँ कि उन्हीं के वजह से आए। उनका जो NDI का फीचर है, मेरे को जब भी डाउट था तो मैं रात को भी कभी भी 24/7 आवर्स उन्होंने जो मुझे ये फैसिलिटी दी है उसी की वजह से मैं कभी भी डाउट सॉल्व कर सकता था। सबसे बढ़िया फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चैप्टर वाइज एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपका वो चैप्टर हो जाता है, फिर टिल नन एग्ज़ाम होती है, फिर प्रीलिम्स आती है। प्रीलिम्स में भी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही प्रीलिम है, तीन प्रीलिम्स आती है, तो उसमें जो लास्ट प्रीलिम होती है वो तो एग्ज़ाम के 15 डेज पहले ही होती है, तो आपका जो भी कोर्स है वो 15 डेज पहले ही हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हो और उसमें राइटिंग प्रैक्टिस का जो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाता है। और जब आप ऐसे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से आंसर लिखते हो तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से आंसर कर सकते हो। या मुझे मेरे मेंटर ने या हमारी सभी बैच में अलग अलग मेंटर जो अलॉट किए थे उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जब भी हम डाउट्स डालते थे तो उन्होंने तुरंत हमें रिप्लाई किया और उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू नौकार, वी बिलीव इन बेस्ट।